नमस्कार दोस्तों, हमारे खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दूध से मलाई निकालकर घी कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक सप्ताह का मलाई निकाली हूँ, इसमें इकट्ठा कर दी हूँ, तो आपको बताती हूँ कैसे निकालें। देखिए, मैंने इसको दूध को गर्म कर दी थी कल रात में, और मैंने इसको ठंडा होने पर फ्रिज में रख दी थी, और सुबह मैंने इसमें का देखिए कैसे अच्छे से मलाई पड़ा है मोटा। और मैं इसको ऐसी तरह से सुबह निकाल लेती हूँ, और एक बर्तन में ऐसे जैसे मैंने इकट्ठा की हूँ, आप भी ऐसे इकट्ठा करके रख लीजिए एक सप्ताह का, फिर उसके बाद मलाई निकालते। देखिए, ये मेरा हो गया है, मैं इसको मलाई मेरा पड़ गया है, मैं इसको अच्छे से ऐसे करके देखिए कितना ज़्यादा निकला है। ऐसे करके मोटा मलाई मेरा पड़ गया, ऐसे करके आप निकाल लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि आप 4 किलो 5 किलो दूध का ही निकालें, आपके घर में जो दूध आता है उसी से आप चाहे तो आसानी तरीके से मलाई निकालकर घी बना सकती हैं। तो मैं तो 2 लीटर लेती हूँ, और मैं अच्छे से अपना घर में ही इसका यूज करती हूँ घी बना करके। बाहर का मैं घी नहीं खाती हूँ, और मैंने अच्छे से घर का ही मलाई निकाल के बना लेती हूँ घी। देखिए, घी बनाने का बहुत आसान तरीका है। मैंने जार ली हूँ, मिक्सर में इसको ग्राइंड कर दूंगी, ऐसे अच्छे से डाल देती हूँ इसको। कोई तो हाथ से मत के निकालता है, छोरी से मत के, लेकिन बहुत आसान तरीका है घी निकालने का मलाई से। देखिए, मैंने इसको डाल दी, एक बार मैंने पहले इसको ग्राइंड कर लेती हूँ बिना पानी का। देखिए, देखिए दोस्तों, मेरा मलाई अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अभी नहीं ऐसे बन पाएगा, तो मैं क्या करूंगी, इसे ठंडा पानी डालूंगी। अगर नहीं निकलता है तो मैं अभी गैस पे एक गुनगुना पानी भी रखी हूँ, कि अगर सर्दी का मौसम है, अगर नहीं बनता है एक क्रीम, तो मैं गुनगुना पानी भी डालूंगी। अभी ऐसे करके देख लेती हूँ। देखिए, सर्दी का मौसम है, इसलिए मैंने इसमें हल्का गुनगुना पानी डालूंगी, तो इससे मेरा जल्दी से मक्खन निकल जाएगा। देखिए, देखिए कितना अच्छा मक्खन निकल रहा है इससे। थोड़ा मैं और कर देती हूँ कि मेरा मक्खन इसमें पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मेरा मक्खन बनके तैयार हो गया है। मैं इसको अच्छे से एक बर्तन में देखिए निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत आसान है इसको बनाने में ग्राइंडर में। देखिए, मैंने निकाल ली मक्खन, देखिए बहुत सारा मक्खन निकला है। मेरा एक सप्ताह का था मलाई, इसीलिए आप भी इसको निकालिए। आप अपने घर में जो दूध आता है उससे मलाई निकाल कर घी बनाइए। इसको मैं अच्छे से इसका पानी निकाल लेती हूँ। इसका पानी अच्छे से निकाल करके अब मैं क्या करूँगी, इसको गैस पे रख दूंगी घी बनने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे रख दिया है घी बनने के लिए। ये मेरा 10 से 15 मिनट लग जाएगा घी बनने में। मैं इसको गैस ऑन कर देती हूँ, और मेरा ये घी बनने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, मैंने इसको धीमी आँच पे रखी हूँ गैस पे, अभी मेरा नहीं बना है। आपसे बोली थी कि 10-15 मिनट लग जाएगा, तो लगभग मेरा 7 मिनट हो चुका है। इसको मैं करछी से थोड़ा थोड़ा इसको चलाती रहूँगी कि मेरा गिरे ना, अच्छे से पक जाए। देखिए, लगभग मेरा घी बन रहा है। इसको मुझे तब पता चलेगा जब मेरा छाछ जो इसमें है अंदर, ये ब्राउन हो जाएगा, तो समझिए मेरा घी बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा और ब्राउन होने देते हैं। देखिए, मेरा घी बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालती हूँ, देखती हूँ एक सप्ताह के मलाई में कितना घी निकला है। मैं उतार के छन्नी से एक कटोरी में छान लेती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा एक कटोरी से भी लगभग लगता है एक कटोरी पूरा पूरा हो ही गया है, थोड़ा बेसी ही निकल गया मेरा। देखिए, 250 ग्राम के लगभग मेरा घी निकल गया है। तो बताइए कितना आसान है और शुद्ध घी खाने का सही तरीका। और देखिए, मेरा घी निकल गया है।
जो आप मार्केट से खरीदती होंगी घी, सोचती होंगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें डालडा घी का मिलावट रहता है। और देखिए अपने घर का बना हुआ घी कितना इसमें खुशबू रहता है और कितना शुद्ध है। देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।